माता पिता पर अत्याचार करना बेटी बेटी को भारी पड़ेगा। योगी सरकार भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में अब संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भी आ सकता है और इससे बुजुर्ग माता पिता अपनी संतान को संपत्ति से बेदखल कर पाएंगे। तो माता पिता को परेशान करना अब भारी पड़ेगा और संतान को संपत्ति से बेदखल कर पाएंगे माता पिता। जल्द ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा जिसमें 2014 के इस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तो जो भी संतान माता पिता को सही तरह से नहीं रखती और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और जब बुढ़ापे का सहारा उन्हें बनना चाहिए उस वक्त उनका साथ छोड़ जाती है, उन सभी के लिए ये खबर, अगर परेशान माता पिता को किया जाएगा तो वो आपको संपत्ति से भी बेदखल कर पाएंगे। बुजुर्ग माता पिता को सरकार मदद करेगी। इसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और आपको ये भी बता दें कि 2014 की जो नियमावली है उसमें संशोधन होगा और उसके बाद अब भारी पड़ेगा अगर माता पिता को कोई भी संतान परेशान करती है। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संकेत, क्या क्या बदल जाएगा इस प्रस्ताव के आने के बाद, संशोधन होने के बाद? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में उनके सामने अफसरों ने प्रेजेंटेशन दिया और जाहिर सी बात है कि जो ये नियमावली है इस संशोधन की तैयारी योगी सरकार कर रही है और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव तैयार हो गया है। इस नियमावली के तहत अगर किसी कोई संतान अपने माँ और पिता को उनके साथ अत्याचार करती है, उन्हें परेशान करती है, तो संपत्ति से बेदखल का प्रावधान रहेगा और इसमें सीधे तौर पर जो रजिस्टर्ड एनजीओ है या फिर अफसरों की तैनाती की जाएगी हर तहसील स्तर पर, उनसे ऐसे मामलों में वो अफसर तत्काल कार्रवाई करेंगे और अगर एप्लीकेशन माँ और पिता सक्षम नहीं है लिखने में, तो बुजुर्ग हैं तो उनकी मदद बाकायदा की जाएगी प्रशासन की तरफ से और ऐसी संतानों को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। इस प्रस्ताव को महाधिवक्ता के पास में राय के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है और महाधिवक्ता की राय आने के बाद इसको कैबिनेट में भी पास कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा तमाम जानकारी के लिए आपका। जल्द ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा और उसके बाद ये तमाम चीजें बदल जाएंगी। और 10 कदम में यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।